सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज है 29 जुलाई और अब बचे हैं CHSL में मात्र 3 डेज़। एंड मेरा एग्ज़ाम 2 अगस्त को है। नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट होना यार, मतलब मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी नर्वस होता। मेरे को ये लगा था कि मेरा पेपर आई मीन 9 को हो या फिर 10 को, ये सोच के मैं चल रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरा एग्ज़ाम जो है आपको 2 अगस्त को है, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। सो अपन बात करते हैं, जो मैंने लास्ट 10 डेज़ जो अपना शेड्यूल तैयार किया था वो मैंने कहाँ कहाँ कंप्लीट कर लिया है। देखो, 22 जुलाई से मैंने अपना स्टार्ट करा था, तो नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये तो अपना हो गया कंप्लीट। उसके बाद ट्रेगो एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, वो भी हो गया है। ज्योमेट्री एज, ये भी हो गया है। मैंसुरेशन हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी हो गया अपना। SI टाइम एंड स्पीड, उसके बाद परसेंटेज, पार्टनरशिप, देन फिर CI रेशियो। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज है 29 जुलाई और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ज्योमेट्री और एलजेब्रा। सो इसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, इसे मैं बाद में करूँगा। बाकी कल फिर मुझे DI और ट्रेगो रिवाइज करना है, देन फिर 31 यानी कि लास्ट डे, आई मीन मेंसुरेशन और स्पीड एंड डिस्टेंस, ये अपने को कंप्लीट करना है। नाउ अपन बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में जो 120 रूल्स हैं उसमें मैंने आज का काउंट करके टोटल 91 रूल्स लर्न कर लिए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं एरर के बारे में। तो एरर में 15 क्वेश्चन पर डे जो मैंने सेट मतलब अपना शेड्यूल तैयार किया था उस टाइम पर, तो मैं पर डे 15 क्वेश्चन एरर की उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिनाकल बुक से। उसके बाद फिर इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल अपन जो ना 1 चैप्टर पर डे रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, जैसे टेंस हो गया आपको, उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, तो ये सब मेरा कंप्लीट हो गया है, वॉइस नरेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। तो मैं पर डे 1 से 2 इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड सबसे लास्ट में वॉकअप, तो ये मैंने अपने हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार किया, जैसे 50 सिनोनिम्स पर डे हो गया, उसके बाद 50 एंटोनिम्स पर डे हो गया, एंड इसके अलावा वन वर्ड हो गया, देन एडियम्स हो गया। तो ये था इंग्लिश। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ पर मैं हमेशा फंसता था, जैसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया, या फिर फिगर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, या फिर वो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन हो गया, तो उसमें अब दिक्कत हो रही है, लेकिन ना के बराबर हो रही है, बहुत कम हो रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं जितने भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद क्लॉक हो गया, क्लॉक से तो क्वेश्चन शायद आता नहीं है, उसके बाद क्योंकि PIQ जो लगाया था उसमें एक भी क्लॉक के क्वेश्चन मेरे को दिखे नहीं, बट फिर भी मैं रिवाइज कर लूँगा। तो रीजनिंग में अभी भी मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं जिन्हें मुझे अच्छे से रिवाइज करना है। एक तो क्लॉक हो गया और दूसरा हो गया आपका रैंकिंग। तो ये था आपका रीजनिंग का, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। नाउ अपन अब बात करते हैं GS के बारे में। तो GS में जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इनके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हें तैयार करे हैं, जैसे स्पोर्ट्स का मेरा बचा हुआ है अभी, देन अपॉइंटमेंट मेरा हो गया, अवार्ड्स अभी नहीं करा है, स्कीम हो गया, इंडेक्स हो गया, फेस्टिवल हो गया, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज हो गया, देन इंपॉर्टेंट डेज, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, CM एंड गवर्नर जो नए अपॉइंट हुए उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सबसे लास्ट में बुक्स एंड ऑथर। तो ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया है, बस मेरा 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक तो स्पोर्ट्स हो गया और दूसरा अवार्ड्स हो गया। अच्छा, मैंने अपने डायरी में ना पर डे के हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार कर रखा है कि मैंने 22 जुलाई को क्या किया था एंड 23 को क्या करा था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट। सो इसमें मैंने 23 जुलाई से स्टार्ट करा था पर डे के हिसाब से, और जब मैं इसे कंप्लीट करता था तो उसके आगे मैं टिक करता था एंड 23rd, देन 24th, ऐसे करके ये आज तक का है, आज की डेट तक का है। इसमें जितने भी मेरे को पर डे के हिसाब से कंप्लीट करने थे वो मैंने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर रखा है उसके हिसाब से। एंड आज ये, हाँ आज का देखो मेरा मैथ नहीं हुआ है, इसे मैं शाम को करूँगा। और मेरा स्टैटिक का भी अभी कुछ नहीं, स्टैटिक कह रहा हूँ ये आपको, GS का एक भी सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, मुझे आज सब कुछ को रात में लर्न करना है अच्छे से। सो फाइनली जो है ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, और बाकी आप सभी को ना एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग का एग्ज़ाम कब कब है CHSL का, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।